अस्सलामु अलैकुम, मेरी तरफ से तमाम स्टूडेंट्स को ईद मुबारक। और इस ईद पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक छोटा सा प्रेजेंट। तो प्रेजेंट यह है कि आजकल एग्ज़ाम्स के दिन चल रहे हैं और एग्ज़ाम्स में बहुत कम दिन रह गए, तो अक्सर स्टूडेंट्स के पास टाइम की कमी होती है, लेकिन उनको तैयारी मैक्सिमम करने की कोशिश होती है। तो मैं लेके आया हूँ एक छोटी सी ट्रिक, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं कि पेरिंग स्कीम को हम देखेंगे और उसके लिहाज से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उससे हम मैक्सिमम चैप्टर्स को नेगलेक्ट करने की कोशिश करेंगे और मैक्सिमम हम मार्क्स को ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जो है उसकी हम पेरिंग स्कीम को देखते हैं और उसके लिहाज से हम देखते हैं कि हम कम से कम चैप्टर्स के अंदर मैक्सिमम मार्क्स को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको फार्मूला लिख दिया है कि 95% मार्क्स आ जाएंगे सिर्फ हमारे 6 चैप्टर्स के अंदर से। टोटल जो फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स होते हैं वो 11 चैप्टर्स होते हैं और उसके अंदर से 6 चैप्टर ऑलमोस्ट जो है वो हाफ सिलेबस हो जाता है और हाफ सिलेबस के अंदर से हम 95% जो मार्क्स है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि सिर्फ आपने 6 ही चैप्टर करने हैं, बल्कि आपने क्या करना है, इन 6 चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस करना है और आपने वो जो 5 चैप्टर्स हैं उनको हल्का फुल्का टच लाजमी करना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेयरिंग स्कीम जो है, जो नई अनाउंस की है पंजाब बोर्ड ने, तो वो क्या है। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ को देखेंगे। तो एमसीक्यूज़ जो है वो आप वैसे ही कर सकते हैं, तो इसके लिए पेयरिंग स्कीम की या चैप्टर्स की ज़रूरत नहीं होती। आपको हर एक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि आगे आपने एंट्री टेस्ट भी देना है तो उसके अंदर आपको ये काम आएंगे। ठीक है जी, तो एमसीक्यूज़ के लिहाज से आपने सारे चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस, जो मेन हमारा जो पॉइंट है वो है शॉर्ट क्वेश्चंस का, कि शॉर्ट क्वेश्चन मैक्सिमम हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और उसके लिहाज से हमने देखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो है हमारे पास 5 आते हैं और हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के 2-2 पार्ट्स होते हैं और उसके अंदर 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से हमने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। 3 लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो 2 पार्ट्स, तो 6 चैप्टर्स बनेंगे यहाँ पर। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से देखेंगे कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें कि हम मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चंस को ऑब्टेन कर सकेंगे, हम मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चंस को हम क्या कर सकेंगे, अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ क्वेश्चन नंबर 5 जो है लॉन्ग क्वेश्चन का, जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर 1+5 चैप्टर है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके अंदर 3rd से न्यूमेरिकल है और 10 चैप्टर है, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसके अंदर 6 और 7 चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसके अंदर 4 और 8 से न्यूमेरिकल जो है वो है हमारे पास। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसके अंदर 9 चैप्टर है और 11th चैप्टर है। अब यहाँ पर बच्चे अक्सर जो है वो क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं कि न्यूमेरिकल वाले जो चैप्टर्स हैं उनको हम पहले करें, क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर से जो नंबर्स हैं वो पूरे ऑब्टेन हो जाते हैं। लेकिन अगर हम न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा एक साइड पर रख दें और हमने अपनी जो प्रायोरिटी है वो हम रखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को, कि मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं या अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारे पास, शॉर्ट क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर चैप्टर 1, 2, 3 और 8 से हमारे पास इक्वल जो है वो शार्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, 3, 3, 3 और 3। अब पहला और दूसरा जो शार्ट क्वेश्चन होता है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, इसके अंदर 12-12 शार्ट क्वेश्चंस होते हैं और हमने 8-8 अटेम्प्ट करने होते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 4 होता है उसके अंदर 9 क्वेश्चन होते हैं और उसके अंदर से हमने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। चले मैं लिख देता हूं आपको, तो यहां पर हमारे पास 12 शार्ट क्वेश्चंस हो गए और 12 में से हमने कितने अटेम्प्ट करने हैं, यहां पर 8 अटेम्प्ट करने हैं और यहां पर भी 12 शार्ट क्वेश्चंस हो गए, उसमें भी 8 अटेम्प्ट करने हैं और यहां पर जो है आपने क्या करना है, 9 शार्ट क्वेश्चन हो गए और 9 में से 6 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। अब यहाँ पर जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से देखते हैं कि कौन कौन से हम पेयरिंग को अपने लिहाज से देखें कि मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर पाएं। तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8 जो है वो आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके अंदर चैप्टर जो है वो है हमारे पास 1 और 5। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसके अंदर 6 और 7 चैप्टर है और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे पास क्या है, 4 और 8 का न्यूमेरिकल।
थर्ड का न्यूमेरिकल जो है वो हम नहीं कर रहे। वैसे भी हमारे पास जो 10th चैप्टर है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली थोड़ा सा टफ चैप्टर होता है, उसके अंदर ज़्यादा कॉन्सेप्ट लिख रखे होते हैं। तो 6 और 7 चैप्टर भी आसान है, 1 और 5 भी, और 4 और 8 के न्यूमेरिकल। 4 चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन उसके लिहाज से हमारे पास 8 का न्यूमेरिकल्स आ गया, तो सिर्फ हमने न्यूमेरिकल्स पे ही फोकस करना है, बाकी शार्ट क्वेश्चंस के लिहाज से तो हमने देखना ही है। ठीक है जी, तो हमारे पास 1 और 5 का कॉम्बिनेशन बन गया है, 6 और 7 का, और 4 और 8 का कॉम्बिनेशन बन चुका है। अब हमने देखना है कि हम इन 6 चैप्टरों से कितने शार्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं। MCQs की मैं बात नहीं कर रहा, MCQs आपने 17 के 17 हर एक लिहाज से करने हैं, अच्छे तरीके से चैप्टर्स को रिवाइज करना है, एक मरतबा रीड कर लेना है ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है वो जहन के अंदर क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद हम शार्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। अब शार्ट क्वेश्चंस के अंदर अगर हम देखें तो 1, 5, 6, 7 और 4, 8 है हमारे पास। ठीक है जी, तो हमारे पास अगर हम यहाँ पर निशान लगाना चाहें तो 1, ठीक है जी, और 5 का कॉम्बिनेशन है। फिर उसके बाद हमारे पास 6 और 7 का कॉम्बिनेशन है और 8 और 4 का कॉम्बिनेशन है। अब यहां से देखते हैं हम के हर शार्ट क्वेश्चंस के अंदर से, हर पार्ट के अंदर से हम कितने शार्ट क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और मैक्सिमम हमने कितने पार्ट्स जो है वो अटेम्प्ट करने थे। अब यहां पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम, तो यहां पर कितने शार्ट क्वेश्चंस है हमारे पास, 3 और 3, 6 शार्ट क्वेश्चन जो है वो हमने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है जी, अगर 6 शार्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किए हैं, मींस यहां पर कितने शार्ट क्वेश्चन जो है वो रह चुके हैं, यहां पर जो है वो 2 शार्ट क्वेश्चन जो है वो मिसिंग है जो कि हमने मैक्सिमम करने थे। ठीक है जी, फिर उसके बाद आगे देखते हैं हम, तो 4 और 5 चैप्टर को अगर हम देखेंगे तो यहां से 4 शार्ट क्वेश्चन, यहां से 4 शार्ट क्वेश्चन, जो कि 8 शार्ट क्वेश्चन हमें रिक्वायर थे और वो पूरे शार्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो यहां पर जो है 0 शार्ट क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है जी, तो यहां पर 2 शार्ट क्वेश्चन बचे थे लेकिन यहां पर जो है वो 0 शार्ट क्वेश्चन बचे हैं, मतलब सारे के सारे हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम के लिहाज से। फिर उसके बाद 6 और 7 को देखें तो यहां पर अगर हम देखें तो 4 और 3 हमारे पास 7 शार्ट क्वेश्चन आ गए। अब यहां पर हमने जो अटेम्प्ट करने हैं वो है हमारे पास 6 शार्ट क्वेश्चन, और यहां पर हम अगर पेयरिंग स्कीम के लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन को कर रहे हैं और फुल चैप्टर को उसको तैयार कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4 और 3, 7 शार्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें से हम एक जो है वो चॉइस के तौर पर छोड़ भी सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर हम पूरे सारी चीज़ों को लिहाज से देखें तो MCQs तो आपने सॉल्व कर लेनी है, फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूरे अटेम्प्ट हो गए 6 के 6 पार्ट्स, और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो शार्ट क्वेश्चन में यहां से एक इजाफी हमने अटेम्प्ट कर लिया, यहां पर सारे अटेम्प्ट कर लिए और यहां से सिर्फ 2 शार्ट क्वेश्चन जो है वो बचे हैं, तो टोटल जो हमारे पास मार्क्स होते हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के वो होते हैं 85। ठीक है जी, पहले हमारे पास प्रैक्टिकल होते थे तो इसीलिए हमारे पास कितना होते थे 100 मार्क्स होते थे, लेकिन अब यहां पर हमारे पास मार्क्स कितने होते हैं 85। अब 85 में से हमारे पास 17 जो है वो MCQs के होते हैं, 44 जो है हमारे पास किसके होते हैं शार्ट क्वेश्चन के, और बाकी जो रिमेनिंग है वो क्या होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के होते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन के कितने होंगे, 4 और 4 8, 8 और 16 हो जाएंगे और 24। ठीक है जी, तो 24, 44 और 17 ये टोटल जो है 85 मार्क्स बनते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 17 शार्ट MCQs जो है वो तो आपने खुद ही करने हैं। ठीक है जी, मैंने आपको कहा है कि बार बार कह रहा हूँ कि तमाम पूरी बुक को आपने अच्छे तरीके से एक मरतबा रीड करना है ताकि सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपके जहन के अंदर बैठ जाएं। ठीक है जी, और ये जो है आपके लिए फ़ायदा देगा क्योंकि नेक्स्ट जो है वो आपने अगर एंट्री टेस्ट में जो है एग्ज़ाम देना है तो डेफिनेटली वहाँ पर जो है पूरी बुक्स को हमने रीड करना होता है और मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट्स है उनको गेन करना होता है। तो यहाँ पर जो है MCQs हो जाएंगे। फिर उसके बाद शार्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ से पूरे अटैम्प्ट किए, यहाँ से पूरे अटैम्प्ट किए, यहाँ से 2 अटैम्प्ट नहीं किए। ठीक है जी, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 अटैम्प्ट नहीं किए तो डेफिनेटली 40 मार्क्स जो है वो यहाँ से बन जाएंगे और 24 मार्क्स पूरे के पूरे हम यहाँ से बना लेते हैं। तो टोटल मार्क्स जो है हमारे पास क्या आ जाएंगे, 81 मार्क्स जो है हमारे पास आ चुके हैं जो कि हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ 6 चैप्टर से हम क्या कर सकते हैं अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ये जो 6 चैप्टर्स हैं आपने मैक्सिमम फोकस इन पर रखना है, आपने ये नहीं करना कि 5 चैप्टर्स को आपने बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देना है। आपने पढ़नी पूरी बुक है
और फोकस जो है आपने किन पर रखना है, इन छह चैप्टर्स पर रखना है जो कि मैंने आपको स्कीम के लिहाज से बताए हैं, ठीक है जी। अगर इन छह चैप्टर्स पर फोकस रखेंगे तो 81 मार्क्स जो है सिर्फ इन छह चैप्टर से आ जाएगा, तो इन पर आपने फुल ग्रिप रखनी है, फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम देखेंगे। तो ये था हमारे पास फर्स्ट ईयर की पेइंग स्कीम, और उसके लिहाज से मैंने आपको बताया कि आप कौन कौन से चैप्टर्स को करके मैक्सिमम जो है सिलेबस को कम करके और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अगर किसी और सब्जेक्ट की या किसी और क्लास की आपको चाहिए है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।